अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, तो लाइक और शेयर करना और हाँ कमेंट कर जरूर बताना और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। स्टोरी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं ज्वेलरी कंपनी की सीईओ की फेमस डिजाइनर फूचन के साथ शादी होने वाली थी, जो शादी कम और ज्वेलरी की एडवर्टाइजमेंट ज्यादा लग रही थी। पर तभी जेंगशी को पता चलता है कि उसका फियांसे फूचन लापता है और अचानक से जेंगशी की हार्ट रेट बढ़ने लगती है। इनफैक्ट उसे एक स्ट्रेंज डिसीज है, उसे अपनी हार्ट रेट दिखाई देती है और हमेशा ही क्रिटिकल मोमेंट पे उसकी हार्ट रेट बढ़ने लगती थी, जिससे उसकी कंडीशन और खराब हो जाती थी। और हार्ट रेट को कम करने के लिए वो स्वीट खाती थी, पर अगर हार्ट रेट 100% हो जाए तो वो 48 आवर्स के लिए सो जाती है। और अभी सेम उसकी हार्ट बीट बढ़ने लगी थी, पर तभी वहाँ व्हाइट हॉर्स पे एक लड़का आता है जो उसकी उठने में हेल्प करता है। उस लड़के के फिजिकल टच से उसकी हार्ट रेट 80% से 60% हो गई थी। फूचन अभी तक शादी के लिए नहीं आया था, तो वो उस अनजान लड़के को ही मास्क पहनाकर अपना ग्रूम फूचन बना लेती है, ये बोलकर कि वो उस लड़के को उसकी पेमेंट नहीं देगी। इनफैक्ट वो लड़का तो वहाँ फ्लावर और हॉर्स की डिलीवरी करने आया था। जेंगशी सबको बता रही थी कि उसकी मैरिज रिंग प्रिंसेस और नाइट को डिनोट करती है, पर जेंगशी के ब्रदर को पता चल गया था कि वो लड़का फूचन नहीं है, इसलिए वो उस लड़के का मास्क उतारने लगा था। पर कोई भी उसका फेस ना देख पाए, इसलिए जेंगशी उसे किस कर देती है, जिससे वो तो हैरान था पर फिर कुल्ला कर रहा था। वो बदले में उसे बहुत सारे पैसे देती है, पर वो पैसे लेने से मना कर देता है क्योंकि बेचारे का सीईओ ने जबरदस्ती किस जो ले लिया था। फिर जेंगशी देखती है कि उसकी हार्ट रेट 50% पे रुकी हुई है, क्या उस लड़के की वजह से? जेंगशी का ब्रदर यैन को लाइक करता है, बट वो उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देती। इनफैक्ट ब्रदर अपनी वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन से खुश नहीं है क्योंकि वो खुद सीईओ बनना चाहता है, बट वो हमेशा ही अपने ब्रेन का इस्तेमाल करना भूल जाता है और जेंगशी के लिए प्रॉब्लम खड़ी कर देता है, जिससे जेंगशी की हार्ट रेट फिर से बढ़ने लगी थी। इसलिए वो जेंगशी को उसे किस करने को कहती है, बट वो मना करता है, तो वो जबरदस्ती उसे हक कर लेती है और हार्ट बीट कम होने पे एकदम उससे दूर हो जाती है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ऐसी एप्लीकेशन के बारे में बताने वाली हूँ जहाँ पे आप फ्री में साइन इन करके जीत सकते हैं आईफोन। जी हाँ, इस एप्लीकेशन का नाम है जीतविन। जीतविन इंडिया का मोस्ट ट्रस्टेड गेमिंग प्लेटफॉर्म है और फ्रेंड्स, जीतविन पे साइन करके आपको मिलता है ₹500 तक का वेलकम बोनस। पर अगर आप हमारा प्रोमो कोड लवली यूज करते हैं तो आपको 10 फ्री स्पिन्स भी मिलेंगी, वो भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट और डिपॉजिट के। साइन अप करने के बाद आप फ्री में लाइफ टाइम के लिए क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस या कबड्डी जैसी लाइव मैचेस देख सकते हो। और तो और, आईपीएल के सीजन में जीतविन ने एक ग्रैंड प्रमोशन लॉन्च किया है जिसमें प्लेयर्स को मिलेंगे 8 करोड़ तक के कैश बोनस। और फ्रेंड्स, इस प्रमोशन को जीतने के लिए आपको किसी भी गेम में जाकर प्रेडिक्शन करनी है और पॉइंट्स जीतने हैं। जितने ज्यादा आप पॉइंट्स बनाओगे उतने ज्यादा आपके लीडरशिप पे रैंक बढ़ती जाएगी और हर हफ्ते विनर्स को अनाउंस किया जाएगा और फिर सीजन के एंड में ग्रैंड विनर्स को भी अनाउंस किया जाएगा। आप अपने फ्रेंड्स को जीतविन रेफर करके फ्री में भी उनसे 50% कमीशन पा सकते हो, वो भी लाइफ टाइम के लिए। तो देर किस बात की, पिंड कमेंट में दी गई लिंक को क्लिक करो और उसमें हमारा प्रोमो कोड लवली लगाकर अभी से जीतना स्टार्ट करो। फिर वो चेंशु को बहुत सारे पैसे देकर अपना असिस्टेंट बनने का ऑफर देती है, पर वो उसका ऑफर ठुकरा देता है क्योंकि उसे फ्लावर की केयर करना पसंद है, किसी ओवरबीयरिंग सीईओ की नहीं। वाइस प्रेसिडेंट जेंगशी को फोन कर बताता है कि डैड ने तुम्हें और तुम्हारे हस्बैंड को डिनर पे बुलाया है। उसकी फिर से हार्ट बीट बढ़ने लगी थी, तो वो चेंगशु की शॉप से फ्लावर ऑर्डर कर उसे बुला लेती है। वो उसे देख हैरान था, पर वो उसे जबरदस्ती किस कर लेती है, जिससे उसकी हार्ट रेट 30% हो गई थी। पर चेंगशु गुस्से में था, वो आज रात उसे अपने घर पे रुकने को कहती है, बट वो मना कर चला जाता है। नेक्स्ट डे वो उसे कहती है, अब तुम्हारे घर और शॉप की ओनर मैं हूँ, अगर तुम यहाँ से बाहर नहीं निकलना चाहते तो बस मेरे असिस्टेंट बन जाओ, वो भी शो तक के लिए, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। चेंशु को भी ना चाहते हुए कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करने पड़ते हैं, पर वो बोलता है कि वो उसे उसकी परमिशन के बिना उसे फिजिकल टच नहीं करेगी। तो जेंगशु उसे हैंडशेक करने को कहती है, बट वो उसका हाथ तब तक नहीं छोड़ती जब तक उसकी हार्ट रेट 50% नहीं होती। कंपनी में कोई भी चेंशु से बात करना भी पसंद नहीं कर रहा था और वो अकेला ही सबको फ्लावर पॉट दे रहा था, पर सीईओ के कहने पे सब उसकी हेल्प करने लगते हैं।
क्योंकि वो सब उससे बहुत डरते हैं। लंच टाइम पे एक एम्प्लॉय सीईओ की बुराई करने वाला था कि वो बहुत खड़ूस है, पर वहीं पे सीईओ के आते ही डर के मारे उसकी बोलती बंद हो जाती है। उसे लॉबस्टर पील करना नहीं आता था तो चेंशू से पील करके देता है, बट वो उसी के हाथों से खाने लगी थी। ये देख सब हैरान थे। क्रेफिश खाते टाइम चेंशू को फंदा लग गया था, पर सीईओ गलती से उसे पानी की जगह ड्रिंक पिला देती है। पर तभी वही टल्ली एम्प्लॉय सीईओ को विच बोलने लगा था। सब उसे रोकने की कोशिश करते हैं। सीईओ को बहुत गुस्सा आ रहा था तो चेंशू उसे बाहर ले आता है, पर टल्ली होने की वजह से वो उस पर गिर गया था, तो वो उसे अपने घर पे ले आती है। और कपड़ा उड़ाते टाइम उसके खींचने से उन दोनों का किस हो गया था, तो वो जल्दी से उठ जाती है। नेक्स्ट डे उस एम्प्लॉय को लगता है कि आज तो वो गया, पर सीईओ ने तो चेंशू को ऑफिस में बुलाया था ताकि वो उसके साथ बोर्ड मीटिंग में चल सके। बोर्ड मीटिंग में वाइस प्रेसिडेंट उससे फूचेन के बारे में पूछने लगा था, जिससे उसकी हार्ट बीट फिर से बढ़ने लगी थी, तो वो स्वीट के बहाने से चेंशू का हाथ पकड़ लेती है। जैसे उसकी हार्ट रेट कम होती है, वो बहुत ही समझदारी से इस बात को हैंडल कर लेती है। ये देख वाइस प्रेसिडेंट तो हैरान था। फूचेन सीईओ का फ़ोन भी नहीं उठा रहा था। उसे इतना स्ट्रेस में देख चेंशू उसका मूड चेंज करने की कोशिश करता है, पर वो उसे हक करके कंफर्ट करने को कहती है, और हक करने लगी थी तो वो उसे दूर कर कहता है तुम शादीशुदा हो, और भाग जाता है। हमें पता चलता है कि जेंगशी चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, पर डैड हमेशा ही उसी पे ब्लेम करते हैं, इसलिए उनमें आपस में कभी नहीं बनती थी। अपनी तबीयत खराब होने पे वो यैन को घर बुलाती है और उसे बताती है कि जब भी वो चेंशू से फिजिकल टच करती है उसकी हार्ट रेट अपने आप ही कम हो जाती है। यैन को लगता है कि शायद ये सब लव की वजह से हो रहा है, बट वो कहती है मैं लव में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, और उठकर बाहर जाने लगी थी, पर चेंशू से भूत समझकर डर के मारे स्कूटर से गिर जाता है। उसे बेहोश देख वो उसे किस करने वाली थी, बट वो उसकी गर्दन पकड़ रोक देता है और कहता है कि तुम शादीशुदा हो, तो वो उसे बताती है कि मैं और फूचेन सिर्फ फ्रेंड्स हैं और अच्छे बिजनेस पार्टनर। वो शादी तो एक दिखावा थी कंपनी के न्यू प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट के लिए, तो मैं अभी सिंगल हूँ। वो पूछता है तो तुम हमेशा मुझे फिजिकल टच क्यों करती हो, बट वो बात टालकर चली जाती है। कंपनी में सब इम्प्लॉयज ये देख हैरान थे कि सीईओ आज उन्हें बिल्कुल भी डांट नहीं रही, बल्कि गुड मॉर्निंग विश कर रही है। मीटिंग में वाइस प्रेसिडेंट जानबूझकर सीईओ का पैर अड़ाकर गिरा देता है, बट फिर उसे पेन में देख उसे थोड़ा पछतावा भी होता है। चेंशू सीईओ के पैर पे मसाज कर रहा था तो वो उसे देख रही थी। जब वो देर रात तक काम करती है तो वो उसके लिए खाना लेकर आता है, बट उसके करीब होने से नर्वस हो चला जाता है क्योंकि वो जेंगशी को लाइक करने लगा था। यैन वाइस प्रेसिडेंट पे गुस्सा होती है क्योंकि वो हमेशा ही अपनी सिस्टर को ऐसी परेशान करता रहता है। नेक्स्ट डे चेंशू ने फिर से सीईओ के लिए ब्रेकफास्ट बनाया था तो वो खुश होती है, पर जब उसे पता चलता है कि चेंशू ने तो सबको ब्रेकफास्ट ला कर दिया था, तो वो ब्रेकफास्ट डस्टबिन में फेंक देती है। चेंशू को एक मेल स्टार के साथ मीटिंग करनी थी और उसने काफ़ी शॉर्ट ड्रेस पहन रखी थी। वो लड़का चेंशू की तरफ ना देखे इसलिए चेंशू उसके आगे आ जाता है, और यहाँ तक कि चेंशू के बदले खुद ही उससे हेलो करने लगा था। तो नेक्स्ट डे चेंशू भी जीन्स पहनती है और चेंशू के टेबल पर कॉफ़ी कप रख चली जाती है, बट सफाई करने वाली वो नोट फाइल्स में रख देती है। चेंशू कॉफ़ी कप देख ही रहा था, पर वो लिमिटेड एडिशन होने की वजह से यैन उससे कॉफ़ी कप ले लेती है। सीईओ को लगता है चेंशू ने वो कॉफ़ी कप यैन को दिया था, तो वो गुस्सा हो चली। चेंशू को अक्सर रात में नींद नहीं आती थी, इसलिए वो उसको स्लीप एरोमा देने आता है, बट जब वो देखता है कि चेंशू को फीवर है तो वो उसके घर जाकर उसे गिंगर सूप बना के देता है। वो उसकी काफ़ी केयर कर रहा था, तो वो पूछती है डू यू लाइक मी। वो हैरान था तो वो कहती है मेरा मतलब मेरी कंपनी को। वो कहता है आई लाइक यू, तुम्हारी कंपनी को। और फिर उसका फीवर ठीक होने पे वहां से चला जाता है। नेक्स्ट डे चेंशू उसे ब्रेकफास्ट लेने आया था, पर जब वो देखती है उसने बाकियों को भी ब्रेकफास्ट ला कर दिया, तो वो बिना लिए ही चली जाती है। पर फिर उसे चेंशू की चिंता भी होती है। चेंशू उसका हाथ पकड़ने लगा था, बट वो हाथ हटा लेती है। वो पूछता है क्या तुम अब तक गुस्सा हो क्योंकि मैंने यैन को कॉफ़ी कप दे दिया था। वो कहती है नहीं, आगे से तुम्हें मेरे लिए ब्रेकफास्ट लाने की ज़रूरत नहीं।
और वैसे भी शो खत्म होने के बाद हमारा कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो जाएगा। उसके जाते ही वाइस प्रेसिडेंट चेंशु को ऊपर उठा लाता है और पूछता है, तू जेंशी को लाइक करता है या उसके पैसों को? चेंशु कहता है, मैं सिर्फ जेंशी को लाइक करता हूँ, पर तू तो उसका भाई होकर उसे इतना परेशान करता है। वो कहता है, हाँ उसे सिर्फ उसका भाई परेशान कर सकता है, मैं किसी और को उसे परेशान करते नहीं देख सकता, मेरी नजरें हैं तुझ पे, समझा? बट चेंशी के आते ही बात टाल देता है। सीईओ को अभी भी लग रहा था कि चेंशु येन को लाइक करता है, पर येन उसे सच बता देती है। इनफैक्ट जब चेंशु को फाइल में वो नोट रखा मिलता है तो वो बहाने से बार बार येन से वो कॉफी कप लेने की कोशिश करता है, बट लिमिटेड एडिशन होने की वजह से येन ने उसे वापस नहीं किया था। ये सुन सीईओ की हर्ट रेट अपने आप 50% हो जाती है, जबकि अब तो उसने चेंशु को टच भी नहीं किया था, पर येन को लगता है ये सब लव का असर है। तभी वाइस प्रेसिडेंट सीईओ को न्यू सैंडल लाकर देता है। वो अपने शो के लिए शॉपिंग करने आई थी, चेंशु की एक ड्रेस बहुत पसंद आती है बट वो महंगे होने की वजह से मना कर रहा था, तो चेंशु उसे ट्राई करने को कहती है। जब चेंशु वो ड्रेस पहन के आता है तो वो बहुत हैंडसम लग रहा था, तो चेंशु उसे अपने पैसों से ड्रेस बाय कर देती है, बट वो गुस्से में था तो वो कहती है, मैंने तो तुम्हें गिफ्ट दिया था, अच्छा तुम बदले में मुझे एक्सपेंसिव खाना खिला देना। वो मान जाता है, बट वो एक्सपेंसिव खाना किसी रेस्टोरेंट का नहीं बल्कि चेंशु का बनाया हुआ खाना था, और वो बताता है कि हर बार वो उसे अपने हाथों से ही ब्रेकफास्ट बनाकर लाकर देता था और बाकियों का ब्रेकफास्ट तो उसने ऑर्डर किया था। तो वो खुश होती है और फिर फैसला करती है कि वो न्यूज़ में सबको सच बता देगी कि उसकी और फूचन की शादी फेक थी। वाइस प्रेसिडेंट फिर से येन पे लाइन मार रहा था, बट वो इस बार भी उसे भाव नहीं देती। सीईओ चेंशु शो में जाने के लिए निकलते हैं, वो न्यूज़ में सबको सच बताने ही वाली थी, बट इससे पहले ही रिपोर्टर्स फूचेन को लेकर उस पर आरोप लगाने लगे थे और क्वेश्चंस पूछने लगे थे। येन को वाइस प्रेसिडेंट पे शक होता है, बट वो बताता है कि उसने ये सब नहीं किया। तभी वहाँ डैड आ जाते हैं, जिन्हें देख सीईओ की हार्ट रेट बढ़ने लगी थी और वो कुछ बोल ही नहीं पाती, वो बेहोशो गिरने वाली थी, पर तभी चेंशु आकर उसे पकड़ लेता है और फिर सबके सामने उसे किस कर देता है। ये देख सब हैरान थे, बट डैड गुस्सा हो चले जाते हैं। जब वाइस प्रेसिडेंट अपने दिमाग का यूज कर इस बात को हैंडल कर लेता है तो ये देख येन उससे थोड़ा इम्प्रेस हो जाती है। इनफैक्ट उस टाइम चेंशु ने सीईओ के कहने पे ही उसे किस किया था ताकि उसका स्ट्रेस कम हो सके, और वो उसका थैंक यू करती है। कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने की वजह से चेंशु को कंपनी से जाना पड़ रहा था, बट उसे जेंशी की याद आ रही थी। जेंशी न्यूज में सबको बता देती है कि मैंने ज्वेलरी की एड के लिए फूचेन से फेक मैरिज करने का नाटक किया था, पहले मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट बिजनेस था, पर फिर एक इंसान ने मुझे ट्रू लव का रियल मीनिंग बताया, तो अभी मैं नाइट और प्रिंसेस के रिंग के लायक नहीं हूँ। तो वो स्माइल करता है, पर चेंशी को हर जगह चेंशु ही नजर आ रहा था, यहाँ तक कि वो रियल वाले चेंशु को भी हेलुसिनेशन समझ लेती है, बट वो उसे डिनर पे इन्वाइट कर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में चेंशु जेंशी को प्रपोज करने के लिए रोमांटिक लाइन्स बोल रहा था, पर तभी अचानक से उसके आगे वाइस प्रेसिडेंट आ जाता है। जेंशी के सामने ही वाइस प्रेसिडेंट बार बार येन को प्रपोज करने के लिए चेंशु से वो रोमांटिक लाइन्स पूछ रहा था, तो वो उसे चुप करा देता है। वाइस प्रेसिडेंट कहता है, मैं जेंशी का ब्रदर हूँ, जब तक मैं राजी नहीं होऊंगा तुम्हें परमिशन नहीं मिल सकती। पर चेंशु जेंशी को वहां से कहीं और ले जाता है और उसे अपनी प्रिंसेस बनने के लिए प्रपोज करता है, तो वो हाँ कर देती है। वो दोनों किस करने ही वाले थे बट कार में होने की वजह से डिस्टर्ब हो जाता है। जब वो उसके लिए अपने हाथों से डिनर बना रहा था तो वो कहती है, अब से तुम सिर्फ मेरे हो, और उसे वही रोमांटिक लाइन्स बोलने को कहती है। पहले तो वो मना कर रहा था बट फिर कहता है, तुम भले ही सबके सामने मुश्किलों का सामना करने वाली नाइट हो, पर मेरे लिए तुम हमेशा ही प्रिंसेस हो। भले ही मैं रियल का नाइट नहीं हूँ बट मैं हमेशा ही तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। तो वो उसे किस कर देती है और दोनों एक दूसरे को किस करने लगे थे। रात में जब वो जाने लगा था तो वो आज रात उसे अपने घर पे ही रुकने को कहती है, बट वो साथ में रहने का नाम सुनते ही नर्वस हो एकदम से वहां से चला जाता है। नेक्स्ट जेंशी ब्रेकफास्ट बनाना सीख रही थी पर गलती से उसके फिंगर पे नाइफ लग गया था। एक लड़की को चेंशु के क्लोज देख वो जेलस हो रही थी, बट वो लड़की बताती है कि उससे गलती से चेंशु की चोट लग गई थी, वरना वो तो ऑलरेडी इंगेज है। ब्रेकफास्ट और उसकी चोट देख चेंशु से कहता है, आगे से तुम ब्रेकफास्ट का काम मुझ पे छोड़ देना, तुम बस अपने ड्रीम पे फोकस करो। वो कहती है, क्यों तुम्हारा कोई ड्रीम नहीं है?
वो कहता है, मेरा ड्रीम तो तुम हो, क्योंकि मुझे तो तुमसे फर्स्ट साइड लव हो गया था। वो कहती है, तो जब मैंने तुम्हें फर्स्ट किस किया था तुम गुस्से में क्यों थे? वो कहता है, अगर मुझे पहले पता होता तो मैं तुम्हें दो चार किस और कर देता। और फिर दोनों डेट पर जाते हैं। इधर वाइस प्रेसिडेंट भी येन को डिनर पे लाया था और पूरी कोल्ड ड्रिंक खाली कर देता है, क्योंकि उसने येन के लिए बोतल पे रोमांटिक लाइंस लिखी हुई थी। तभी वो दोनों जेंशी और चेंशू को साथ में देख लेते हैं। वाइस प्रेसिडेंट को लगता है कि चेंशू सिर्फ जेंशी के पास उसके पैसों की वजह से है, इसलिए उसे टेस्ट करने का डिसाइड करता है। जेंशू से कहती है, अगर तुम्हें मुझे किसी प्लांट से डिस्क्राइब करना हो तो वो कौन सा प्लांट है? वो कहता है, कैक्टस। वो गुस्सा हो जाती है तो वो कहता है, कैक्टस भले ही बाहर से कठोर दिखता है बट वो अंदर से बहुत सॉफ्ट है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। तभी उन दोनों को कंपनी का एम्प्लॉय देख लेता है तो वो जल्दी से अपना हाथ नीचे कर लेती है, बट वो उसका हाथ पकड़ कहता है, जेंशी मेरी गर्लफ्रेंड है। पहले तो उसे यकीन नहीं आता बट जेंशी के नोचते ही वो उन दोनों को लवर चिल्लाते हुए भाग जाता है। वाइस प्रेसिडेंट एक लड़के को सीईओ जैसा विग पहना के जानबूझ के चेंशू के सामने बोलता है, जेंशी तुम मेरी रियल सिस्टर नहीं हो, तुम्हें तो डैड ने अडॉप्ट किया था, इसलिए डैड ने फैसला किया कि तुम अब कंपनी की सीईओ नहीं रहोगी और हम तुम्हें अब घर से निकाल देंगे। जेंशी को रोते हुए भागते देख चेंशू उसके पीछे भागता है पर वो तो चली गई थी। तो चेंशू जेंशी के घर आ जाता है और उसे सारी बात बताता है। जेंशी समझ आती है कि उसके भाई ने ही ये सब नाटक किया था, पर चेंशू से अपनी पासबुक, क्रेडिट कार्ड और पिगी बैंक देकर बोलता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं कल तक बाकी पैसों का इंतजाम कर लूंगा। वो कहती है, तो क्यों ना आशा तुम यहीं रुक जाओ। वो कहता है, नहीं नहीं मैं आशा तुम्हारे लिए घर ढूंढूंगा। वो कहती है, तो क्या तुम मुझे अपने घर में नहीं रखोगे? वो कहता है, नहीं अभी हमारी शादी नहीं हुई है, पर चिंता मत करो मैं तुम्हारे लिए सबसे अच्छा घर ढूंढूंगा। पर फिर जेंशू से सब सच बता देती है। कंपनी में वो एम्प्लॉय सबको जेंशी और चेंशू के बारे में बता देता है और वाइस प्रेसिडेंट को भी पता चल गया था कि चेंशू सच में अच्छा लड़का है। जेंशी येन से पूछती है, किसी के साथ सोने के लिए क्या करना पड़ता है? वो कहती है, क्या कहा? वो कहती है, नहीं नहीं मेरा मतलब वो नहीं, जैसे मैं और चेंशू कपल हैं पर पता नहीं क्यों वो मेरे साथ एक ही घर में रहने से मना कर रहा है। तो क्या तुम्हारे पास कोई ट्रिक है? तो येन उसे कुछ ट्रिक्स बताती है। नेक्स्ट सीन में वो दोनों टीवी देख रहे थे तो जेंशी उसे बाहर वेट करने को बोलकर खुद शावर लेने जाती है और फिर अंदर से उसे टॉवल देने के लिए आवाज मारती है। चेंशू को लगता है वो बिना कपड़ों के होगी, इसलिए पर्दा लगाकर उसे बाहर आके टॉवल लेने को बोलकर खुद वहां से जाने लगता है, क्योंकि वो बहुत नर्वस था। येन की ये ट्रिक तो फेल हो गई थी तो वो उसे एक और नई ट्रिक बताती है। जेंशी बीमार होने का ड्रामा कर चेंशू को अपने बेड पर बुला लेती है और उसे पूरी रात ऐसे ही अपने साथ सोने के लिए कहती है। मॉर्निंग में वो उसे किस करता है तो जेंशी अपना रोमांस स्टार्ट करने ही वाली थी, पर तभी उसे कंपनी से कॉल आता है कि उसे बोर्ड मीटिंग में जाना है, तो वो जल्दी से ऑफिस जाने लगी थी। पर जब वो न्यूज़ में देखती है कि कंपनी के स्टॉक्स लॉस में चल रहे हैं तो उसकी हार्ट बीट बढ़ने लगी थी और चेंशू के पास आते ही वो बेहोश हो जाती है। येन चेंशू को बोलती है कि वो सीईओ के साथ ही रहे और उसे ज्यादा से ज्यादा किस करे। इधर मीटिंग में सब जेंशी का वेट कर रहे थे, उसी का फायदा उठाकर वाइस प्रेसिडेंट खुद सीईओ की पोस्ट पर बैठ जाता है। चेंशू जेंशी की केयर करता है पर उसे सोते हुए किस नहीं करता। वाइस प्रेसिडेंट सीईओ बनकर बहुत खुश था, पर जब सब एम्प्लॉयज एक एक कर रीचेक करने के लिए उसे बहुत सारी फाइल्स दे देते हैं तो वो इतना सारा काम देख के डर जाता है। 40 आवर्स होने के बाद भी जेंशी नहीं उठती, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि येन ने जेंशी को हॉस्पिटल ले जाने से मना क्यों किया। तभी वहाँ एक लड़का आता है जो खुद को जेंशी का हस्बैंड फूचन बताता है। 48 आवर्स होते ही जेंशी उठ के आती है और वो फूचन पे चिल्लाने लगी थी। पहले तो फूचन जेंशी के बॉयफ्रेंड चेंशू को देख गुस्सा होता है पर फिर सॉरी बोलता है कि वो शादी पे नहीं आ पाया था, इनफैक्ट वो किसी ज़रूरी काम से इटली चला गया था। और चेंशू को देख कहता है, मैं आज रात यहीं रुकूंगा, वैसे भी ये पहली बार थोड़ी ना है। चेंशू ये सुन हैरान था पर चेंशू से ज़बरदस्ती घर से बाहर निकाल देती है। चेंशू ने उसके पिछले 48 आवर्स ध्यान रखा था तो वो उसे हक करती है और उसे घर जाकर रेस्ट करने को बोलती है। वो कहता है, नहीं मैं आज रात यहीं सोऊंगा। वो कहती है, पर तुम तो पहले हमेशा मना करते थे। वो कहता है, मेरा मतलब तुम अभी उठी हो तो मुझे तुम्हारा ध्यान रखना होगा,
मैं और कुछ भी नहीं करूंगा। नेक्स्ट डे जेंगशी अपनी मिस्टेक की वजह से खुद से ही सीईओ की पोजीशन से रिजाइन करने लगी थी, पर वाइस प्रेसिडेंट कहता है, नहीं, गलती तो हर इंसान से होती है, अब तुम्हारी गलती पर तुम्हारे सारे अच्छे काम को थोड़ी ना भूल सकते हैं। जेंगशी तो हैरान थी। बोर्ड मीटिंग पे सब उसकी बात पर एग्री हो जाते हैं। इनफैक्ट वाइस प्रेसिडेंट को मालूम था कि वो सीईओ बनकर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और काम नहीं संभाल सकता, तो वो हंस पड़ती है। तभी फूशन आकर जेंगशी को इटली से लाए अपने न्यू डिजाइन दिखाता है। जेंगशी को चेंशु का फोन आ रहा था, पर फूशन ने चलाकी से काट दिया था। तो चेंशु जेंगशी से मिलने कंपनी में आ जाता है, क्योंकि उसे उसकी चिंता हो रही थी। डिनर टाइम पे फूशन चेंशु को कहता है, तू जेंगशी के प्यार के लायक नहीं, क्योंकि तू मेरी तरह डिजाइन में उसकी हेल्प नहीं कर सकता, तुझे तो सिर्फ खाना बनाना आता है। चेंशु को सैड देख जेंगशी फूचन पे गुस्सा करती है और उसे घर ले आती है, पर वो अभी भी सैड था। और फिर अचानक से कहता है, अब हम कपल हैं तो हमें साथ में सोना चाहिए। वो स्माइल करती हुई हाँ कर देती है। तो दोनों किस करने लगे थे और किस करते करते बेड पे पहुंच जाते हैं। बट आफ्टर स्पेंडिंग रोमांटिक नाइट वो कहता है, मैं फूचन के जैसे तुम्हारी काम में हेल्प नहीं कर पाता। वो कहती है, क्यों, क्या तुम जेलस हो? मैं और फूचन सिर्फ बिजनेस पार्टनर हैं। वो कहता है, पर वो तो तुम्हें लाइक करता है। वो कहती है, पर मैं सिर्फ तुम्हें लाइक करती हूँ। चेंशु जाकर ज्वेलरी के लिए न्यू डिजाइंस बनाने लगा था और उसने ज्वेलरी में फ्लावर्स के करेक्टर्स के अकॉर्डिंग डिजाइन बनाए थे। ये कंसेप्ट जेंगशी को बहुत अच्छा लगता है, इसलिए वो चेंशु को कंपनी में चलने को कहती है और येन को इशारे से रोमांटिक नाइट वाली बात बता देती है। चेंशु को देख वाइस प्रेसिडेंट कहता है, कल रात तू कहाँ सोया था? जेंगशी के कहने पे मीटिंग में चेंशु अपने फ्लावर ज्वेलरी डिजाइन के कंसेप्ट के बारे में सबको समझाता है, जो फूचन को छोड़कर सबको अच्छा लगता है। और फिर जेंगशी डिसाइड करती है कि वो चेंशु को अपने हर्ट रेट वाली सारी बात बता देगी, और ये भी कि चेंशु के फिजिकल टच से उसकी हर्ट रेट कम हो जाती है, पर ये सब फूचन सुन लेता है। चेंशु जेंगशी के लिए पियानो बजाता है और दोनों रोमांटिक टाइम स्पेंड करते हैं। वाइस प्रेसिडेंट येन को उसकी आइडल के कॉन्सर्ट के टिकट दिखाता है तो वो खुश हो जाती है, और फिर वाइस प्रेसिडेंट के साथ ही अपने आइडल के कॉन्सर्ट पे आती है। एक लड़का येन को घूर रहा था तो वो येन को अपने करीब कर लेता है। वहाँ पे सब कपल्स को किस करना था, बट फिर जब उन दोनों की किस की बारी आती है तो येन नर्वस हो गई थी, पर वाइस प्रेसिडेंट उसे करीब कर किस करने लगा था, जिससे वो भी इंजॉय करने लगी थी। इधर फूचन चेंशु को कहता है, जेंशी तुझे लाइक नहीं करती, वो सिर्फ अपनी हार्ट रेट कम करने के लिए तुझसे फिजिकल कॉन्टैक्ट करती है, और जिस दिन वो ठीक हो जाएगी वो तेरा यूज़ करना छोड़ देगी। चेंशु को भी सारे पास्ट सीन्स याद आते हैं कि जेंशी हमेशा ही उसे फिजिकल टच करने की ट्राई करती थी, तो वो गुस्से में था, यहाँ तक कि जेंशी का फ़ोन भी नहीं उठाता। वो उसके गुस्सा होने का रीज़न पूछती है। चेंशु को लगता है कि जेंशी उसे लाइक भी नहीं करती, बस उसे यूज़ कर रही है। जेंगशी उसे कहती है, ये सच है, मैं पहले जानबूझकर तुम्हारे क्लोज आई, बट अब मैं सच में तुम्हें लाइक करती हूँ। पर वो यकीन नहीं कर रहा था, तो वो कहती है, अगर तुम्हें सच में मुझ पे यकीन नहीं तो जा सकते हो। वो गुस्सा हो चला जाता है। नेक्स्ट डे जेंगशी कंपनी में बहुत गुस्से में आती है और उसने गॉगल्स भी लगा रखे थे ताकि कोई भी उसे रोते हुए ना देख सके। फूचन जेंगशी के क्लोज होने की कोशिश करता है तो वो समझ आती है कि चेंशु को उसी ने बताया होगा, पर उसे चेंशु की बहुत याद आ रही थी। इधर येन फूचन को समझाती है कि चेंशु के आने के बाद से ही सीईओ कितनी बदल गई थी, वो कोल्ड हार्टेड से वार्म हार्टेड बन गई थी, क्योंकि यही ट्रू लव है। वाइस प्रेसिडेंट देखता है कि जेंगशी रो रही है, पर जेंगशी को तो डैड ने बुलाया था, क्योंकि वो बिजनेस के लिए जेंगशी की शादी दूसरी कंपनी के प्रेसिडेंट से करवाना चाहते थे, बट वो लड़का जेंगशी को करेक्टरलेस बोलने लगा था, तो वाइस प्रेसिडेंट को गुस्सा जाता है। पर डैड भी इसमें जेंगशी की ही मिस्टेक बताते हैं, तो वो वहां से उठ के चली जाती है। इधर चेंशु को बार बार जेंगशी की याद आ रही थी और उसे याद आता है कि उसका शॉवल तो जेंगशी के घर पे है। जेंगशी रात में सो जाती है, पर अरोमा गिर गया था जिसके स्मेल से उसकी हार्ट रेट बढ़ने लगी थी और वो बेहोश। चेंशु जेंगशी के घर अपना शॉवल लेने आया था, बट देखता है कि जेंगशी बेहोश है। तभी फूचन भी वहां आ जाता है और उसे बेहोश देख चेंशु को उसे किस करने को कहता है। चेंशु के किस करते ही जेंगशी होश में आ जाती है, पर उसके ठीक होते ही चेंशु शॉवल लेके वहां से जाने लगा था। पर फूचन चेंशु को सच बता देता है
कि जंशी तो चेंशु को बहुत पहले से ही अपनी हार्ट रेट वाली बात बताने वाली थी। तुमसे मिलने से पहले वो बहुत अकेली थी और सारी प्रॉब्लम्स खुद ही हैंडल करती थी, और वो अब तुम्हें सच में बहुत लाइक करती है। तो वो उसे जाकर कहता है, मुझे तुम्हारे साथ सोना है। वो कहती है, हमारा ब्रेकअप हो गया। वो कहता है, मेरा मतलब वो नहीं था, मैं तो तुम्हारी हार्ट रेट को ठीक करना चाहता हूँ, उसके बाद मैं चला जाऊँगा। वो पूछती है, तुम मेरी हेल्प क्यों करना चाहते हो? वो कहता है, ह्यूमैनिटी। डैड जेंशी के घर आते ही उस पर गुस्सा करने लगे थे, तो वो कहती है, चेंशु मेरा बॉयफ्रेंड है, तो मुझे दोबारा ब्लाइंड डेट पे मत भेजना, क्योंकि मैं इसी से शादी करूँगी। डैड उस पर गुस्सा करते हैं। चेंशु ने समझाने की कोशिश करता है, बट डैड गुस्सा हो चले जाते हैं। जेंशी की हार्ट रेट बढ़ने लगी थी, पर वो उससे दूर होती है। वो उसका हाथ पकड़ता है, तो उसकी हार्ट रेट 70% हो जाती है और हग करने पे 50% हो जाती है, और जब वो उसे किस करता है तो हार्ट रेट 30% हो जाती है, पर वो उससे दूर होती है। चेंशु कहता है, सॉरी, मैं तो बस एक्सपेरिमेंट कर रहा था। बट रियल में वो उसे सच में किस करना चाहता था। सभी बोर्ड डायरेक्टर्स को जेंशी का न्यू ज्वेलरी डिज़ाइन बहुत पसंद आता है, पर वो बताती है कि इस डिज़ाइन में सब एम्प्लॉयज़ और वाइस प्रेसिडेंट का भी योगदान है, स्पेशली चेंशु का। सब खुश होते हैं क्योंकि कंपनी के स्टॉक्स प्राइस बढ़ गए थे, और फिर सब मिलकर ड्रिंक करते हैं। टल्ली वाइस प्रेसिडेंट चेंशु को कहता है, पता नहीं डैड बचपन से ही जेंशी के साथ इतना कोल्ड बिहेव क्यों करते हैं, कहीं सच में वो मेरी अडॉप्टेड सिस्टर तो नहीं? चेंशु कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, तो टल्ली है। वो कहता है, वैसे जेंशी बहुत मेहनत करती है, एक बार तो जब डैड ने उसे डांटा था तो वो 48 आवर्स के लिए सो गई थी। तो चेंशु सोचता है, अब मुझे पता चला तुम्हारी हार्ट रेट कैसे ठीक होगी, और फिर जेंशी को घर ले जाने लगा था। पर टल्ली जेंशी कहती है, मुझे टच मत करो, वरना तुम कहोगे मैं तुम्हारा यूज़ कर रही हूँ। पर घर आके कहती है, आई रियली लाइक यू, तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी कितनी याद आती है, पर तुम्हें लगता है मैं तुम्हारा यूज़ कर रही हूँ, क्या मैं इतनी बुरी हूँ? तुम भी मुझे छोड़कर जाना चाहते हो? तो वो उसे हक कर लेता है और कहता है, आई लाइक यू टू। और उसकी हार्ट रेट 20% थी, पर उसे किस करने पे भी 20% ही रहती है। वो सोचता है, सॉरी, अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। फिर वो डैड से बात करने चाहता है, पर उसे घर के अंदर ही नहीं घुसने देते। इधर वाइस प्रेसिडेंट और यैन का कंपनी में ऑफिस रोमांस चल रहा था, पर तभी चेंशु आ जाता है उसकी हेल्प लेने। वाइस प्रेसिडेंट डैड को स्पेशल खाना खिलाता है और बताता है कि जेंशी ने वो फेक मैरिज कंपनी के फायदे के लिए ही की थी, बट वो स्पेशल खाना तो चेंशु ने ही बनाया था। और वो डैड को एक चिप देखने को कहता है। इधर जेंशी अकेली थी, तभी वहाँ डैड और बाकी सब आ जाते हैं। डैड को अपनी गलती का एहसास था, इनफैक्ट वो जेंशी को अपने जैसा स्ट्रॉन्गर बनाना चाहते थे, और वो उसे लाइक तो करते हैं, बट उन्होंने कभी भी अपनी फीलिंग्स को उसे शो नहीं किया था। और बताते हैं कि चेंशु ने जो उन्हें चिप दी थी उसमें सब रिकॉर्ड था कि जेंशी कंपनी को बेस्ट बनाने के लिए कितनी मेहनत करती है। सबके कहने पे जेंशी चेंशु से मिलने जाती है। चेंशु ने उसके लिए डेकोरेशन कर रखी थी और वो उसे शादी के लिए प्रपोज करता है, वो भी प्रिंसेस वाली रिंग दिखा के। वो हाँ, तो वो उसे रिंग पहनाता है और दोनों किस करने लगे थे। तभी जेंशी की हार्ट रेट 0% हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि ये पूरी स्टोरी तो जेंशी के सपनों में थी जब वो कोमा में थी, पर उसे चेंशु के बारे में सब कुछ याद है, और हमें पता चलता है कि चेंशु ही जेंशी को कोमा से बाहर लाया था। तभी जेंशी चेंशु की फ्लावर शॉप पे आती है और उससे कैक्टस मांगती है। कैक्टस देखते ही चेंशु को सब कुछ याद आ जाता है, यानी अब वो दोनों एक हो जाएंगे, और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ड्रामा में। स्टोरी का तो एंड हो गया है, पर जाते जाते जीतविन से आईफोन जीतना मत भूल जाना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा।